हरे भरे खेतों और प्राचीन बरगद के पेड़ों के बीच बसा झुंझुना गांव शांत और खूबसूरत था। गांव वाले साधारण लोग थे जिनकी जिंदगी जमीन और मौसम के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन इस शांत माहौल के पीछे शरारत और चतुराई की कहानियां भी पनपती थी, जैसे कि जंगली फूल जो यहां वहां उगते रहते थे। इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध थी चालाक चोर चतुर की कहानी। चतुर साधारण दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसकी बुद्धि असाधारण थी। उसकी तेज निगाहें कुछ भी नहीं चुकती थी और उसका दिमाग तरकीबों का खजाना था। अपनी चालबाजियों के बावजूद चतुर के अपने अजीब नैतिक सिद्धांत थे। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और उसे अपने चोरी करने की कला पर गर्व था, जिसमें वह कभी पकड़ा नहीं गया। उसके लिए यह एक खेल था, गांव वालों के खिलाफ उसकी बुद्धि की परीक्षा, और गांव वाले बदले में उसकी हरकतों से कभी नाराज होते तो कभी हंसते थे। एक धूप भरी दोपहर गांव में उत्साह का माहौल था। वार्षिक फसल उत्सव बस आने ही वाला था और तैयारियां जोरों पर थी। इस हलचल के बीच एक बूढ़े आदमी रामू को आखिरकार उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित डिलीवरी मिली, एक नया टेलीविजन सेट। रामू, जिसने अपने मिट्टी के बर्तन बनाने की मामूली कमाई से हर पैसा बचाया था, के लिए यह टेलीविजन झुंझुना के बाहर की दुनिया का एक खिड़की था। यह गांव में अपनी तरह का पहला था और रामू का साधारण घर तुरंत ही ध्यान का केंद्र बन गया। चतुर, जिसकी सूंघने की क्षमता तेज थी, ने जल्दी ही रामू की नई संपत्ति की खबर पा ली। उसने सोचा कि इस टेलीविजन को चुराना उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पूरा गांव सतर्क रहेगा, उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उत्सुक। लेकिन सभी को मात देने का रोमांच बहुत अधिक आकर्षक था। जैसे ही सूरज अस्त हुआ, चतुर ने अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने शाम को रामू के घर के आसपास घूमते हुए बिताया, गांव वालों की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए। उसने देखा कि रामू कई बूढ़े लोगों की तरह एक रूटीन का पालन करता है। वह रात की खबरें देखने के बाद सोने चला जाता और सुबह तक टेलीविजन बिना किसी की निगरानी में रहता। चतुर ने धैर्य पूर्वक इंतजार किया, पास के एक पेड़ की छाया में छिपा हुआ। जैसे जैसे रात गहराती गई और गांव शांत हो गया, उसे अपना मौका दिखा। चुपके से वह रामू के घर की ओर बढ़ा, उसके दिल में उत्तेजना की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे जल्दी और चुपके से काम करना था। किसी भी आवाज से पूरा गांव जाग सकता था। प्रशिक्षित कौशल के साथ चतुर ने बाड़े में एक अंतराल से प्रवेश किया और घर की ओर रेंगता हुआ बढ़ा। उसने खिड़की से झांका और देखा कि रामू अपने बिस्तर पर धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था, कोने में टेलीविजन झिलमिला रहा था। चतुर ने सावधानी पूर्वक खिड़की को खोला और अंदर चढ़ गया। उसने जल्दी से काम किया, टेलीविजन को डिस्कनेक्ट किया और किसी भी आवाज को दबाने के लिए इसे कपड़े में लपेट दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, अचानक एक आवाज ने उसे जकड़ लिया। यह रामू था जो नींद में करवट बदल रहा था। चतुर ने अपनी सांस रोक ली, प्रार्थना करते हुए कि बूढ़ा आदमी जागे नहीं। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद रामू फिर से शांत हो गया और चतुर ने अपनी भागने की योजना फिर से शुरू की। वह लगभग दरवाजे से बाहर था जब एक फर्श का तख्ता जोर से चरमराया। रामू चौंक कर जाग गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने चतुर को अपने कीमती सामान के साथ खड़ा देखा। चोर, उसने चिल्लाया बिस्तर से बाहर कूदते हुए। चतुर दरवाजे की ओर भागा, उसके हाथ में भारी टेलीविजन था। वह रामू की आवाजें सुन सकता था जो गांव के चारों ओर गूंज रही थी, और वह जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी भागना होगा। वह यार्ड के पार दौड़ा, गांव वालों के जागने और कुत्तों के भौंकने की आवाजें हवा में भर गईं। गांव के किनारे की ओर बढ़ते हुए चतुर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे छिपने की जगह चाहिए थी और जल्दी चाहिए थी। उसने गांव के चौक के पास एक पुआल के ढेर को देखा और उसकी ओर बढ़ गया। आखिरी जोर से उसने पुआल के ढेर में छलांग लगाई, टेलीविजन को भी अपने साथ खींच लिया। गांव वाले क्रोधित रामू के नेतृत्व में चौक में उमड़ पड़े। उन्होंने ऊपर नीचे खोजा, उनकी लालटेनों की झिलमिलाहट जमीन पर छाया डाल रही थी, लेकिन चतुर कहीं भी नहीं मिला। कई घंटों के बाद खोज आखिरकार समाप्त हो गई और गांव वाले अपने घरों की ओर लौटने लगे, बड़बड़ाते हुए कि चालाक चोर फिर से उनके हाथ से बच निकला।
चतुर ने चौक के शांत होने तक इंतजार किया, फिर सावधानी से अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला। उसने अपने कपड़ों से पुआल झाड़ा और टेलीविजन को अपने कंधे पर उठा लिया। वह जानता था कि वह अपने घर वापस नहीं जा सकता, सुबह में गांव वाले सबसे पहले वहीं देखेंगे। इसके बजाय वह गांव के किनारे की ओर बढ़ गया, जहां एक पुराना खंडहर खलिहान घासफूस में छिपा हुआ था। खंडहर खलिहान धूल और जालों से भरा हुआ था, लेकिन यह एकदम सही छिपने की जगह थी। चतुर ने टेलीविजन को सेट किया और पुराने बोरे के ढेर पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन रोमांचित। उसने यह कर दिखाया था। उसने झुनझुना में अब तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। अगले कुछ दिनों में गांव चोर की पहचान और ठिकाने के बारे में अटकलों से गूंज उठा। रामू, जिसने अपना टेलीविजन खो दिया था, सभी की सहानुभूति का पात्र बन गया। लेकिन इस उथल पुथल के बीच चतुर शांत और संयमित रहा। उसने खलिहान का दौरा केवल रात में किया, सावधानी से, किसी भी संदेह से बचते हुए। एक शाम जब चतुर खलिहान में बैठा था, चोरी किए गए टेलीविजन की झिलमिलाहट देख रहा था, तो उसने अपने आप को बेचैन होते पाया। चोरी का रोमांच कम हो रहा था और उसे एक हल्की सी अपराध बोध महसूस हो रही थी। रामू ने उस टेलीविजन के लिए कड़ी मेहनत की थी और यहाँ वह था, उसके खर्चे पर इसका आनंद ले रहा था। चतुर जानता था कि वह टेलीविजन को हमेशा के लिए नहीं रख सकता। गांव वाले आखिरकार पता लगा लेंगे कि वह था और वह पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने फैसला किया कि वह टेलीविजन वापस करेगा, लेकिन वह इसे इस तरह से करेगा कि कोई उसे संदेह नहीं करेगा। अगली सुबह चतुर ने गांव के लोहार का दौरा किया, जो उसका पुराना दोस्त था और उस पर एहसानमंद था। उसने एक बड़ा मजबूत लकड़ी का क्रेट बनवाने का आदेश दिया, जो टेलीविजन को समा सके। लोहार चतुर के इरादों से अनजान सहमत हो गया कि यह रात तक तैयार हो जाएगा। उस रात अंधेरे की आड़ में चतुर ने सावधानी से टेलीविजन को क्रेट में रखा और इसे बंद कर दिया। उसने शीर्ष पर एक नोट संलग्न किया, जिसे रामू को संबोधित किया गया था और उस पर लिखा था, एक आभारी प्रशंसक की ओर से। क्रेट को एक हाथ गाड़ी पर लाद कर चतुर रामू के घर की ओर बढ़ा। उसने क्रेट को रामू के दरवाजे पर छोड़ दिया और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, फिर छाया में गायब हो गया। अपने छिपने के स्थान से उसने देखा कि रामू ने दरवाजा खोला। क्रेट को देखकर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। बूढ़ा आदमी जल्दी से इसे खोलने लगा और जब उसने अंदर टेलीविजन देखा, तो खुशी के आंसू।